लर्नर्स पॉइंट को आपण मानंको स्वागत। आज आलोचनार विषय होची ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास जहाँकि आपण मानंको एसएसबी पीजीटी रो पेपर वन रे दिया जायथिबा यूनिट वन रो प्रस्तुति पई सहाय्य करिवो। तेबे एही आलोचनाटी आरंभ करबा पूर्वरु आपण मानंको कहिबा पई चाहिबे जे आम पाखरे एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन एवं पेपर टू ओडिया पई पेड क्लासेस अवेलेबल अच्छी ता संगरे एसएसबी पीजीटी ओडिया पई मध्य पेड क्लासेस अवेलेबल अच्छी। जदि आपण माने जॉइन करबा पई चाहुंतंती तेबे मते डिस्क्रिप्शन रे दिया जायथिबा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करी निश्चय जणंतु। तेबे एबे आमे आमर आलोचना आरंभ करिबा। तेबे ए जो आलोचना आमे करिबा एथिरे आमर आलोचनार विषय रहिबो ओडिया भाषार उत्पत्तिर आदि कालरु नै 16 शताब्दी मध्यरे तार विकास क्रम। तेबे ओडिया भाषा उत्पत्तिर आदि काल संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु यार व्युत्पत्ति बा यार व्युत्पत्तिर जो मूलटि रहिछे ता संपर्क रे जानिबा निहाती आवश्यक। तेबे आमे जानिछन्ति भारतीय आर्य भाषा अंतर्गत आमर ओडिया भाषा। तेबे ए भारतीय आर्य भाषाटी आर्य भाषाटीर मूल भाषा कौन थिला बा मूलटी कौन ता संपर्क प्रथम देखिबा। तेबे मूलतः आम देखिबा जदि इंडो हिटाइट गोटे परिवार रहिछि सेही परिवारटी परवर्ती समय रे प्राचीन हिटाइट एवं प्राचीन इंडो यूरोपीय गोष्ठी भाबरे देखा दिछि। तेबे ए जो प्राचीन इंडो यूरोपीय गोष्ठी रहिछि एहा परवर्ती समय रे इंडो यूरोपीय परिवार रे परिणत होइछि। इंडो यूरोपीय परिवारटी परवर्ती समय रे सप्तम गोष्ठी एवं केन्तुम गोष्ठी भाबरे परिचिति पाइछि। तेबे ए सप्तम ओ केन्तुम गोष्ठी भाबरे आमे केमिति विभागीकरण करिछन्ति ना पुरकंठ ध्वनि क बा जहा केमे इंग्रजी रे के बोली कहितन्ति ए पुरकंठ ध्वनि रो आधार रे आमे आकु विभाजित करिछन्ति। तेबे ए विभागीकरण बेले जेउ जेउ भाषा गुडी करे ए पुरकंठ ध्वनि क संरक्षित रहिछि ताकु आमे केन्तुम वर्गरे रखिछन्ति एवं जेउ जेउ भाषा गुडी करे एही पुरकंठ ध्वनि क टी स रे परिणत होइ जायछि से तालव्यस्य हो दन्तस्य हो वा मूर्धन्यस्य हो एही स रे परिणत होइ जायछि सेही भाषा गुडी कु आमे सप्तम परिवार वर्गरे अंतर्गत करिछन्ति। तेबे ए जो वर्गीकरण टी सहे बोली जो गोटे शब्द रहिछि ताकु नै आमे करिछन्ति ठीक अछि। तेबे या अंतर्गत को भाषा गुडी कर रहिछि जदि सेही संपर्क रे तथा ये जो वर्गीकरण संपर्क जदि विस्तृत आलोचना चाहूँगी तेबे वीडियो रो ए जो चैनल रो विभिन्न प्लेलिस्ट रही है एनटी यूजीसी नेट रो भारतीय भाषा परिवार संपर्क रे गोटे वीडियो रही आपण माने देखि परिबे अथवा मुतार लिंक ए वीडियो शेषरे दे देबी से वीडियोटी निश्चय देखंतु ताहाले ए वर्गीकरण संपर्क रे आपण मानकर धारणा संपूर्ण होई परिबो। तेबे परवर्ती समय रे ए जो सप्तम गोष्ठी रही चारोटी शाखा रे विभक्त होई से भितर आछि आर्मेनियन आल्बेनियन बाल्टोस्लाभिक बाल्टोस्कैनभिक स्कैफनिक आउ आर्जियो परिवार सेमिति जो केन्तुम वर्ग रही सीए ग्रीक लाटिन केल्टिक आउ गथनिक बोली चारि शाखा विभक्त हो सारी। तेबे ए आर्जियो शाखाटी परवर्ती समय रे आमर आभेस्टिक पल्लवी आउ वैदिक बा प्राचीन संस्कृत रे विभागीकृत होइछि ठीक। तेबे तापर ए वैदिक बा जो प्राचीन संस्कृत लौकिक रूप धारण करिछि एवं लौकिक संस्कृत नाम रे परिचिति पाइछि एवं तार परवर्ती रूप देखा दिछि आदिम प्राकृत रे। तेबे एठी जेहेतु आमे केवल ओडिया भाषार उत्पत्ति संपर्क रे पढुछंती आ ओडिया भाषा आमर प्राकृत रु आमे पाइछंती से जिनस भी आमे जानिछंती सेथिबाय बोली आमे प्राकृत संपर्क रे पढुछंती एउ पाली अपभ्रंश ए संपर्क रे आमे एठी एबे देखिबानी। तेबे एठे तमनंगु मोर गोटे प्रश्न रहिला आमे जो भारतीय आर्य भाषार तीनोटी स्तर देखुछंती प्राचीन मध्य एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आमर ओडिया भाषाटी केउ स्तररु उत्पन्न होईची ताहा तम माने मते कमेंट बॉक्स से जणैबो। तो ठीक अछि ए जो आदिम प्राकृत रहिला आदिम प्राकृतटी परवर्ती समय रे परवर्ती प्राकृतर रूप पाइची एवं एही परवर्ती प्राकृतरे पांचटी शाखा मुख्यतः देखिया को मिलिछि जोथिरे कि सौरसेनी मागधी पैसाची एमिति बहुत गुडाए आमर अर्धमागधी एमिति बहुत गुडाए देखा दिछि। तेबे जो अर्धमागधी कैटेगोरीटी रहिछि एही वर्गटी आमर मागधी भाषारे जेतेबेले सौरसेनीर लक्षण मान मिसिछि तापरे एही अर्धमागधीर जो वर्गटी आमको देखिया पई मिलिछि। तो एही अर्धमागधी स्तररु अपभ्रंश स्तरकु आसिला परे चारोटी शाखा पुनि उत्पन्न होइछि जो भितरे कि ओडिया बंगाली आसामी एवं बिहारी भाषा आमको
देखा मिली तेरे एथिरु आम जापी जे ये मगधी भाषा बा परवर्ती समय जी कि अर्धमागधी बोली परिचिति पाई एथिरु आम ओडिया भाषार उत्पन्न तेज जदि आम टे आंचलिक भाव में भौगोलिक भाव आपको विभाजन करवा तेज मगधीर जो पूर्वी शाखा रही मगधीर पूर्वी शाखा अंतर्गत दक्षिण शाखार ओडिया भाषा उत्पन्न तेज आम सर्टकट्रे यहाँ कहींपर जे दक्षिण पूर्वी मगधी आमर ओडिया आसी थाए बा ओडिया भाषाटी आसी थाए तबे एहा हला आमर ओडिया भाषार व्युत्पत्ति संपर्क एबे आमे ओडिया भाषार क्रम विकास संपर्क आलोचना करिबा तबे ए जो ओडिया भाषार विकास क्रम संपर्क आलोचना करिबा पूर्वर मु तमानु कहबी आमे 16 शताब्दी पर्यंत आलोचना करिबा तबे वर्तमान रो ओडिया भाषार स्थिति बा वर्तमान रो रूप संपर्क अल्प देखिनबा तो वर्तमान जो आमे रूप देखिया गु पाउचंती तहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषार एक निर्दिष्ट वाक्रीतिर परिणति बोली आमे जानिछंती तेबे ए जो ओडिया भाषार भीति रही पूर्वांचल कथित भाषा हेले मध्य या उपरे मध्यांचल कथित भाषा गुड़ागर किछि किछि प्रभाव आमको बा सुसंपर्क आमको देखिया पाई मिली थाए सेमिति वर्तमान रो जो ओडिया भाषा रही आमे तीनोटी उपभाषा तार देखिया पाई पाउछंती से भीतर कोन कोन रही देख ना उपकूलांचल उपभाषा से भीतर रही उपकूलांचल उपभाषा पश्चिमांचल उपभाषा दक्षिण पश्चिमांचल उपभाषा इत्यादि तेबे ये जो पूर्व उपकूलांचल उपभाषा संपर्क आम देखिले या भितर आमर कौ भाषा गुड़ाक आए जो आधुनिक साधु भाषा बोली आम मैंने कहते से ही भाषा नेक्स्ट पश्चिमांचल भाषा भितर संबलपुरी और लरिया भाषा गुड़िक आता दक्षिण पश्चिमांचल उपभाषा देशिया भर्त्री झरिया ये सब भाषा गुड़ाक आसी था तेरे एगुड़ाक आमर एबर परीक्षा पाई आसबनी बास तुम मान गोटे पृष्ठभूमि तैयारी करने मुझे विषय में खोज समस्त को ठीक अच्छे तो एबे आम देखा उपकूल अंचल जो भाषा गुड़ाक रही से आमर बंगला आदि केतटा मगधीय भाषार प्रभाव आमको देखा मिले बा तार घनिष्ठता आमको देखा मिली थाए सेमती ही पश्चिम अंचल उपभाषा उपर कोशल एवं छत्तीसगढ़ी भाषार जो घनिष्ठता देखा मिले एवं दक्षिण पश्चिम अंचल उपभाषा सांगे हालवी भाषार घनिष्ठता आमको देखापे मिली थाए तेबे सप्तदश शताब्दी बेलू मूल आर्य भाषा सह स्थानीय अनार्य भाषार सम्मिश्रण रे ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा भाव में प्रचलित हो सारी एवं तापर आम गोटे विकसित एवं स्वयं संपूर्ण रूप ओडिया भाषार देखापे पाई ए जो आमे ओडिया भाषार क्रम विकास जदि आलोचना करिबा तेबे तार विकास को आमे किछिटा स्तर रे डिवाइड करि परिबा ठीक अछि तो ए जो स्तर रे जदि आमे डिवाइड करूछन्ते तेबे से भीतर आमर कोन कोन आछि देखो प्रथमतः आमे अभिलेख रे जो ओडिया भाषार क्रम विकास देखिया को पाइछन्ती तापर आमे देखिछन्ती चर्जे गीतिक रे ओडिया भाषार क्रम विकास तापर आम सारळांकर साहित्य रे बा सारळदासंकर विभिन्न साहित्य जमीक महाभारत रहिला रामायण रहिला चंडीपुराण रहिला बा लक्ष्मीनारायण बचनिका रहिला इपरि सारळदासंकर विभिन्न साहित्य रे ओडिया भाषार रूप देखिया को पाइछंती एवं तापर पंचदश शताब्दी रो अन्य किछि साहित्य रे मध्य आम ओडिया भाषार रूप देखिया को पाइछंती एवं परवर्ती समय रे पंचसखा युगीय गद्य एवं तंकर जो पद्य भाषा रही सेथिरे आमे ओडिया भाषार रूप देखिया पाइछंती जेहेतु आमे जानिछंती जे पंचसखा युगरे आमर पंचसखा युग होछि आमर षोडश शताब्दी एही समयटी तो आमर आलोचनार सीमा मध्य षोडश शताब्दी तो एतिके विभागीकरण करी आमे ओडिया भाषार क्रम विकास संपर्क रे आलोचना करिबा तेबे अभिलेखरु आमे काईकि आरंभ करछंती आमे जानिछंती अभिलेख गुडाक होउछि लिखित भाषार बा भाषार लिखित रूपर प्राचीनतम निदर्शन सेथिपाई आमे अभिलेखरु एबे आलोचना आमर आरंभ करिबा तेबे जो अभिलेख गुडाक रहिछि अभिलेख गुडाक आमे जानिछंती शैलोद्भव भौमकर गंगवंशीय राजामानंक द्वारा बहुत गुड़ाए अभिलेख खोदित आमको प्राचीन ओडियार निदर्शन देखा मिली थाए तेबे से भितर जदि उदाहरण स्वरूप आम देखा तेज कौन कौन रही देखनी ना धर्मराजंकर धर्मराज सुमंडलंक लेखा जहाँकि ख्रीष्टीय 569 रचना सेमिति ही माधव वर्मांकर निबिना ताम्र शासन रहिला जहाँकि 619 रचना सेमिति गंडीबेड़ बौद्ध मूर्ति रे उत्कीर्ण अभिलेख जहाँकि ख्रीष्टीय 10-11 शताब्दी रचना अनंत वर्मा देवंकर मंजूषा ताम्र शासन 10 शताब्दी रचना एवं ये जो द्वितीय वज्रहस्त देवंकर ऊर्जाम शिलालेख तेबे ऊर्जाम शिलालेख संपर्क तो आम बहुत भल से जानते तबे ता पूर्वरु मध्य एमिति बहुत गुड़ाए अभिलेख रही जो थी कि आम ओडिया अभिलेख बा ओडिया शब्दर
निदर्शन देखिया पाई पाई थांती। तबे वर्तमान आम यही उर्जान शिलालेख संपर्क देखिबा तो किसी आलोचक अनुजाई आम साधारणतः जानते जे उर्जान शिलालेख होची ओडिया भाषार प्राचीन रूप। ठीक अच्छे तो एबे आम देखिबा ओडिया भाषार रूप गुड़ाक ओडिया शब्द मान किमिति एही अभिलेख गुड़ाक रे व्यवहार होई छी। तेबे एठी आम जो माधव वर्मा ताम्रशासन विषय कथा से माधव वर्मा ताम्रशासन कुंभार बोली गोटे ओडिया शब्द आमको देखा मिले जहाँकि संस्कृत कुंभकार शब्दर संस्कृत कुंभकार व्युत्पन्न सेमती अनंत देव वर्मा जो ताम्रशासन रही से आम भितरु एवं पंदर भाव में किसीटा ओडिया शब्द देखा पाई। तेज आमर जो आलोचनार विषय जहाँकि उर्जान शिलालेख उर्जान शिलालेखटी वर्तमान आंध्र प्रदेश अंतर्गत चिकाकोल जिलार उर्जाम ग्राम आविष्कार होता। तेरे यार लिपि हूँ नागरी एवं किछि किछि जगार याकु दक्षिण नागरी बोली कुआ जाय थाय एवं यार भाषा हूँ विकृत संस्कृत। ठीक अच्छे एवं एथिरे केतेको ओडिया शब्द एवं ता संगे किछिटा तेलुगु शब्द मध्य आमको देखिया को मिली थाय। तबे ए जो ओडिया तेलुगु शब्द गुडा को संपर्क रे आमे एबे देखि नबा। तबे ए जो अभिलेखरु एकादश शताब्दी रे प्रचलित ओडिया शब्द मानंगर धारणा मानंगु मिली थाय। तबे ए अभिलेख रे व्यवहृत शब्द मान कोन ना मेलाण दय करिला तिन्नी ओकु माणिच नलभे ढिला सणी गौ सन्मुखे इत्यादि एथिरे व्यवहृत किछिटा ओडिया शब्द। तबे या छोड़ा एथिरे बहुत गुड़ाए संस्कृत शब्द व्यवहार होइछि जहाँकि वर्तमान रो ओडिया भाषा रे आमे तत्सम शब्द रूप से देखिया को पाउछन्ति। तो से शब्द गुड़ाक कौन ना समर रिपु दर्पमर्दन भुजबल पराक्रम गंगा अवलम्बन स्तंभ श्रीमद अनंत वर्मा देव विजय राज्य तापर रहला तुला मास शुक्ल पक्ष दिन पंचमी बार पट भाग सहस्र सुवर्णदंड सरस्वती बल्लभ शिला लिखित शकाब्द इत्यादि संस्कृत शब्द। तेबे एही शब्द गुड़ाक वर्तमान मध्य आम ओडिया भाषा रे तत्सम शब्द रूप से व्यवहार करुछंती। तेबे परवर्ती अभिलेख होउछि आमर जो भुवनेश्वर रु प्राप्त द्विभाषिक शिलालेख एटा को द्विभाषिक शिलालेख कहते किंतु आम मैंने भुवनेश्वर द्विभाषिक शिलालेख बोली बहुत भल से जानते आ या संपर्क में बहुत थर प्रश्न आसी थाए कारण आलोचक मैंने कौन या ओडिया भाषार प्राचीनतम ओडिया भाषार यथार्थ निदर्शन बोली कही था। ठीक अच्छे तेब ये शिलालेखर समय सीमा कौन बा रचनार समय कौन ना 1249 मसीहा। ठीक अच्छे आटार रचयिता होती द्वितीय नरसिंह देव। तेबे ए जो शिलालेख रही ये इतिहास जो ओडिया भाषार इतिहास दृष्टि आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी यार शिलालेख जो ये शिलालेखर भाषा रही मागधी अपभ्रंश एवं प्राचीन ओडिया भाषार मध्यवर्ती भाषा बोली मध्यवर्ती रूप बोली मत देखते एवहृत कई के रई प्रभृति विभक्ति प्रत्यय गुड़ाक सी देखी मत देखते तेज एमको बहुत गुड़ाए ओडिया शब्दर व्यवहार देखा मिले से भितर कौन कौन रही देख विजे स्राही बाघमरा बारवाटी बंधा कला माढ़ देढ़ तहु घेतला देई कौड़ी धान सुना मूलकलंतर करते अशी होइला पाणी धिला कराइबा ए तीनी जमिला होई जेते एतेक इत्यादि ओडिया शब्द आमको यही अभिलेख रे देखिया को मिले। तापर कौन रही देख अन्य एक अभिलेख आम पाई रही जोड़ा कि होची त्रिमाली मठ स्थित ताम्रशासन। तेबे ये जो त्रिमाली मठ स्थित ताम्रशासन रही एथिरे किछटा शब्द आमको देखिया को मिले आ ए त्रिमाली मठ स्थित ताम्रशासन रचना समय होची 1384 मसीहा। तो एथिरे थिबा शब्द गुड़ा भितर रही दक्षिण सीमा भाखर जहाँ कि भास्कर शब्द पर व्यवहार होती ग्रामर चकलिया अलंठ बियाली ओथ जहाँकि अश्वत्थ पाई आम व्यवहार करेक्स्ट रहा भूईर उत्तरदंडा बथपड़ा बसाखंड दो सीमांत बंध उपर पथर करी लंकबड़ ग्रामर गाली नई मुकुलुंडा ग्रामर नई तड़ पाणीशिला खंभार
पूर्व हिड़ पर्यंत सीमा इत्यादि शब्द ठीक अच्छे। तबे अन्य एक अभिलेख संपर्क आम देखा जहाँकि हूँ शंकरानंद मठस्थित ताम्रफलक। तबे ये जो शंकरानंद मठस्थित ताम्रफलक रचना समय हूँ 1395-96 मसीहा एवं यह चतुर्थ नरसिंह देवंकर लेखा बा उत्कीर्ण होता लेखा एटा पुरीर शंकरानंद मठर आम पाई। तबे एथिरे आमर किछिटा उड़िया शब्दर व्यवहार देखिया को मिलिथाय जहा भीतर रहिछि कोन बिछा नबरे बुढ़ा लेंका भीतर आउ सेनापति जहाँकि सेनापति शब्द पर व्यवहार होती मुदले आठ साइसो घरे रीडसो जहाँकि गोटे ग्राम ग्रामर ना ए दुई करी सए देबा स्राही उतारू विजे आसीबा थाउ दुआरा आगे बोइला देउली इत्यादि शब्द। यही सब शब्द गुड़ाक आम ये शंकरानंद मठर ताम्रफलक देखा मिलता है। एवं आम देखा ये जाजपुर सिद्धेश्वरस्थ सिद्धेश्वर मंदिर रही सेठे पाई स्तंभाभिलेख आई समय ओडिया शब्दर निदर्शन संपर्क। तेज यार रचना समय हूँ आम 1394 ख्रीटाब्द। तेज ये समय रचना यार रचयिता होती यार खोदनकर्ता होती चतुर्थ नरसिंह देव। तेज चतुर्थ नरसिंह देवंकर समय जो स्तंभाभिलेख आम देखुं एथिरे किछिटा ओडिया शब्द आमको देखा मिले से भितर कौन कौन रही ना नरसिंह विजे जहाँकि विजय अर्थर व्यवहृत समंथु स्राही ककड़ा कृष्ण चतुर्दिग श्रीकरण पट्टनायक पूर्व सन्निमिग्र बेहोरणे पसाइत मुदुली अनुमते माढ़ ओहोरु पाउका पाइका भेटा बोदा परिदर्शना यही सब शब्द गुड़ाक आमको ओडिया भाषार देखा मिली। तांगे एमको अन्य भाषा प्रभाव व्यवहृत किसी शब्दर देखा मिलता है जमीती कि ए पसायत शब्द रही जोटा कि गुजराटी पसायत पसाइत शब्दर उत्पन्न होता देखा मिले आमको। तांगे ये जो मुदुली शब्द रही यहाँ जो ओडिशार कुंभकार मान रही आउ जगन्नाथ मानकर सेवक विशेष गोटे संज्ञा रही मुदुली से मुदुली शब्दर मूल उत्स हूँ द्राविड़ जो तेलुगु भाषा रही द्राविड़ भाषा परिवार तेलुगु भाषा से तेलुगु नि गोटे शब्द मुडल जार अर्थ हूँ आज्ञा आदेश आज्ञा बहक सिल बा मोहर बाहक इत्यादि। तेरे यही सब समय बेलू 1394 समय बेलू आम भाषा उपर अन्य भाषार प्रभाव परिलक्षित हो पारिछि। तबे एहा थिला आजिर आलोचना। आज आम देखिले जे अभिलेख मानकरे किपरि प्राचीन ओडिया शब्द मानकर निदर्शन आम देखापी पाई। तबे परवर्ती वीडियो रे आम देखिबा चर्जिया गीतिकारे किपरि विकासोन्मुखी ओडिया रा रूप आम देखा पाई। तो आज आलोचना टी आपको किपर लगला मत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनांतु एवं भल लगे वीडियो टी लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं पेड क्लास जॉइन करने को चाहूँ डिस्क्रिप्शन रे दिया जाए थी टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक रे आम सह जॉइन करूँ। शेष पर्यंत वीडियो टी देखिथिबारु आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद।